धनबाद के जरिया के कोलियारी इलाके में गैस और भू धसान की घटना कोई नई बात नहीं है। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं यहां घटती रहती हैं। ताजा मामला जरिया थाना क्षेत्र के राजापुर कोलियारी का है, जहां पर सागर नाम का एक युवक जो सुबह शौच के लिए गया हुआ था, भूमिगत आग की चपेट में आने से जल गया, जिसके परिजनों ने आनन फानन में धनबाद के PMCH में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। घटना के संबंध के बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे दें कि झरिया में भूमिगत आग फैली हुई है और आए दिन यहाँ पर गैस रिसाव और भू धसान की घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन आज शौच के दौरान जलने की घटना एक नई घटना है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस इलाके में किस तरह अपनी जान पर खेलकर लोगों को यहाँ रहना पड़ रहा है। मतलब ये हुआ था कि मेरा भगना था, लेटरिन करने गया था, तो 100 रुपये वाला जो चलाता है पहुँचता है, कोयला वाला गिराता है, तो वही गिराया, झड़प्पा जो है उसका है वही धाक लगा, तो सोचे जल गया, तो अभी पूरा पैर और हाथ उसका हल्का फुल्का जल गया, यहाँ वहाँ सब जला है, तो इसीलिए आए PMC। अच्छा, क्या नाम बच्चा? घटना कितना बजे हुआ था? यही 9 बजे। कहाँ का घटना है? राजापुर। धनबाद से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आसनसोल के कुल्टी थाना अंतर्गत नियामतपुर फाड़ी क्षेत्र के राधानगर हटिया के समीप जमीन को लेकर कुछ महीने से काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल उक्त जमीन पर ECL अपना दावा कर रही है और पश्चिम बंगाल बिजली आवंटन कंपनी द्वारा सब स्टेशन बनाया जा रहा है, जबकि एक स्थानीय युवक कमलजीत नोनिया और उसके भाई उक्त जमीन पर अपना बताकर बिजली कंपनी द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य को गलत बता रहे हैं। वो कोर्ट में एक मामला भी दर्ज करा दिया है जो विचाराधीन है, लेकिन मामला दर्ज होने के बावजूद उक्त जमीन पर कार्य किए जाने से कई बार तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो चुकी है। इसको लेकर यानी कल 19 जुलाई को भी एक रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। पुलिस की लाठियों से कई लोग घायल भी हुए। धनबाद से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।